आखिर और अंशु क्या है दुगो बहना है, जिसमें होते क्या है अलग है, जिसमें होता ये है कि अंशु के यहाँ जो थे ना कोई भोज क्या थी भोज, यानी किसी को शादी हुई थी तो उसके यहाँ भोज थी, उसके मान लो उसके भाई जी के शादी थे अंशु के, तो उसके यहाँ कोई भोज हो रही थी, क्या हो रही थी, अरे इतना बड़ा हो क्यों ना हो, उतना बड़ा भी क्या शादी नहीं होती है, अच्छा भाई है, चलो मान लो उसी को शादी में क्या हो रही थी भोज, क्या हो रही थी भोज, समझ गए ना। तो अंशु क्या करती है, राखी को निमंत्रण देती है, अंशु किसको निमंत्रण देती है, तो हमारे यहाँ जो भोज है ना, तो खाने के लिए आना है, यहाँ पर काम धाम भी कर लेना है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए कि नहीं, देखो ना ऐसे नहीं भाई, तो क्या अंशु कहता मतलब हाँ राखी कहता ठीक है हम बता आ जाएंगे, तो यानी राखी जो है शाम को जाते, कब जाती है शाम, पूरे जो है शाम पर गई तब दौड़ के जा रही थी, तब कौन राखी, और राखी के गौर महीना थी जो अंशु को पता है नहीं थी, समझ गया ना, तो क्या होता हुआ अभी रास्ते में मिल जाती है राखी को, राखी को कहती है राखी तू कहाँ जा रही है, वो तो कहते कि हमारे को बहना है अंशु, इसके यहाँ जो भोज है उसी के यहाँ जा रहे हैं, समझ गई ना, तो कहता है कि राखी के ये बहना हाँ भी चले तुमके साथ, राखी कहते चलो हम तो अकेले है हमें डर हो रही है, चलो हमारे साथ चलो, राखी के संग ये भी हो जाती है गौर बहना, अंशु दिया था एगो बहना के निमंत्रण, लेकिन उसके यहाँ एगो बहना जा रही है, उनको बहना जा रही है, चलो कोई बात नहीं चला तो गया, यहाँ पर काम धाम किया कोई बात नहीं है, समझे ना, बराती उराती खा करके चला गया सब, समझ गई, अब आती है मेहमान को बुलाते है ना, तो थोड़ा अंशु को यानी राखी को बैठाया खिलाने के लिए, सबको साथ में बैठाते हैं महिला ग्रुप में, समझे ना, खाने के लिए बैठा, तब तो क्या होते हैं अंशु के इधर से मम्मी आते हैं, तो कहते हैं अंशु के जो बहिना है ना राखी उससे पूछ लेता है कि खाना कैसी थी, तो राखी से पूछने के लिए जाती है अंशु के मम्मी, बुची कैसी है ये रसगुल्ला, तो कहती है रसगुल्ला तो बहुत सुंदर है, क्या है पीस जो है ना छोटका छोटका था, बड़का बड़का पीस जो रहते हैं तो खाने में अच्छा लग जाता है, समझ गई ना, कहते हैं ठीक है अगले बार जो है नहीं से बड़का बड़का रसगुल्ला बनाएंगे, ये तो हमारा से नहीं होती है तो बड़का बड़का रसगुल्ला बनाएंगे, ठीक है, कहता है कि सब्जी कैसी है, सब्जी कहते हैं सब्जी ठीक ठाक है, क्या सब्जी ठीक ठाक है, थोड़ा इसमें रस रह गया, थोड़ा रस जो नहीं रहते बहुत अच्छा लगती खाने में, तो कहते हैं अच्छा ठीक है ये भी ठीक हो जाएगी अगले अगले विवाह में जो है ना ये भी ठीक हो जाएगी, ठीक है जब है ना सोने का टाइम आया, किस चीज का अब सोने के लिए जाने लगा, तो मतलब मेहमान सबको सोने के लिए जो है ना एक पंडाल की व्यवस्था, किस चीज की पंडाल की व्यवस्था, पंडाल में पंखा भी लगी थी ऐसे बात नहीं, परंतु गर्मी का मतलब पूरे गर्मी, समझे ना, उसमें गया ना वो सोने के लिए, उसमें हवे नहीं बाहर से आ रही थी, यानी पंडाल के बाद तो पूरे गर्म हो चुकी थी ना पंखा के हवा से, यानी बाहर से हवा नहीं आ रही थी, तो राखी सोचा कि थोड़ा पंडाल में घूर कर देते हैं, बोले दिया उसको चिड़िया दिया, समझ गई ना क्या कर देते हैं पंडालों को चीर देते हैं, समझ गई कि नहीं, तब तो क्या होती है जानती है ना, यहाँ पर सो गया हवा लगा करके, हवा लगा के क्या हो जाती है सो जाती है, समझ गया जब रखता बात नहीं, समझ गई ना, तो सुबह में जो उठती है ना सो करके राखी, तो उसके अंशु के पापा को बुलाते हैं, ये किसका ट्रेन था फटा हुआ कपड़ा दे दिया है, अरे कौन थे कहता है कि कितना हुआ, कहता है कि नहीं ज्यादा 20,000 में हुआ, कहता कोई दिक्कत नहीं हम जो है ना 10,000 में आपको हम अच्छा टेंडर हम लगा देंगे, तो ठीक है अगले भी आप तुम ही को टेंडर दे देंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो चला गया,
अगले बात जो कोई और काम था अंशु के यहाँ, तो कहा कि हम उसको जो बहिना है वो तो कमे रुपया अपने सब कुछ कहलाती है। और अच्छा उसी को जाकर के कहते हैं, जाते थे उसको राखी के यहाँ, जब राखी के यहाँ जाते थे ना तो राखी जो है ना डर से भाग जाती थी घर, और कहते थे अपने माया बाप को क्या अंशु नहीं है, राखी नहीं है घर पर, कह दो उनकी मम्मी कहते थे राखी घर पे है नहीं है, सुने ना तुम चले जाते थे, फिर दूसरे रोज आते थे राखी घर पे है नहीं क्या, फिर तीसरे रोज आते एक रोज है देखते हैं कि राखी घर मतलब कल को जो है ना ब्रश कर रही है, अब तब उसके अंगना आया ये आदमी तो राखी घर पर नहीं है, तो ये आदमी समझ गया कि ये तो हमें बुर्बक बना रही है, क्या बना रही है हमें बुर्बक बना रही है, समझ गई ना, तो ऐसे नहीं रख रोगे खाना खा लोगे किसी के यहाँ का कि अच्छे नहीं है रसगुल्ला छोटकर छोटका बड़ा बड़ा होते इतना बड़ा बड़ा रसगुल्ली होती है रसगुल्ला ने रसगुल्ली बना देगा, समझ गई ना।